जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तरोताजगी महसूस करते हुए आप सभी का दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं शशांक शर्मा आप सभी का दिल से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की इस नई दुनिया में त्योहार का बड़ा अलग ही रुतबा होता है। दोस्तों, आज की इस शुभ दीपावली पर मैं आप सभी के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ। टॉप 10 क्वेश्चन, काफ़ी स्टैंडर्ड लेवल है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है फिजिक्स के, तो आप एक बार देखिएगा और साथ ही साथ नोट करिएगा। दोस्तों, आप क्लासें तो काफ़ी अच्छे रूप से ले रहे हैं, थोड़ा सा लाइक मार दिया करें अगर आपको अच्छा लगे तो, क्लास है ना, बाद में आप भूल जाते हैं, स्टार्टिंग में ही लाइक लगा दिया करें। क्लास में जैसे ही आए थोड़ा सा लाइक लगा दिया करें, क्योंकि मनोबल बढ़ता है, पॉजिटिवनेस आती है। क्योंकि जब हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाया करते हैं ना, तो बच्चे का चेहरा देखकर ही पहचान लिया करते हैं कि बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बच्चे के बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बच्चे की आंखें बयां करती हैं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोस्तों, आप सभी अभी दिखाई तो देते नहीं हैं इस ऑनलाइन में, बट आपका जो लाइक है ना, लाइक है, सब्सक्राइब है, ये सब देखकर मनोबल बढ़ता है टीचर का। अदरवाइज़ और क्या इसके रीज़न होते हैं वो मैं नहीं जानता, बट इतना ज़रूर जानता हूँ दोस्तों कि मनोबल बढ़ता है तो और अच्छे क्वेश्चन लेके आने की पॉसिबिलिटी बनती है। आइए दोस्त, स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्लास को पुनः। आइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जैसा कि आप सब देख रहे होंगे, बहुत ही लाजवाब और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। किसी निकाय को प्रदान की गई मात्रा 35 जूल है और निकाय का संपूर्ण कार्य 15 जूल है, तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा, चेंजिंग ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप आराम से करिए बहुत प्यार से। और इसमें ऑप्शन दे रखे हैं आपके लिए, 50 जूल, -50 जूल, 20 जूल, 30 जूल, 50 जूल एंड माइनस का 20 जूल, 5 ऑप्शन दे दिए हैं। दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखा गया है क्वेश्चन की ओर। करिए एक बार क्वेश्चन को। थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, और थर्मोडायनेमिक्स जो होती है उसमें दी गई ऊष्मा बराबर ΔU+W, इसका आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों, दी गई ऊष्मा, उसने कहा है कि प्रदान की गई ऊष्मा, जो ऊष्मा है वो है आपका 35 जूल, और बेटा निकाय का कार्य जो है, वर्क डन जो है वह है आपका 15 जूल। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दें कि निकाय पर संपन्न कार्य, तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन पूछा है। निकाय पर संकन कार्य, यानी निकाय पर किया जा रहा है कार्य, और जब हम किसी सिस्टम पर वर्क करते हैं ना, तो सिस्टम पर वो हमेशा नेगेटिव में आता है, ध्यान रखिएगा। निकाय पर किया गया कार्य आपका -15 यूज होगा, निकाय पर ध्यान रखिएगा, ऑन सिस्टम दे रखा है, ठीक है। तो आपको ΔU बताना है, तो आप आराम से देख सकते हैं, ΔU बराबर आ जाएगा 35 + 15 है, और आंसर आ जाएगा 50 जूल। वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। आइडियल गैस के लिए आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, देखिए दोस्तों ये बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन होते हैं कि कौन सी चीज किस पर डिपेंड करती है। थर्मोडायनेमिक्स के बेटा 3 चीजें होती हैं थर्मोडायनेमिक्स में, मैं तीनों को एक बार क्लियर कर देता हूं। एक तो रहता है ΔQ, एक रहता है ΔU और एक रहता है W। ये 3 चीजें याद रखिए, Q जो डिपेंड करता है वो लेने और देने पर निर्भर करता है, इनपुट एंड आउटपुट पर निर्भर करता है। अगर हम इनपुट करेंगे तो ये पॉजिटिव होता है, और आउटपुट करेंगे ये तो नेगेटिव होता है। एंड ΔU डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर यानी T, और वर्क डन डिपेंड करता है वॉल्यूम पर। बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिए इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है, तो ध्यान रखना इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक कण का आपको डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन X = A cos ωt - θ, और उसका मैक्सिमम वेलोसिटी बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो इक्वेशन दिया है उसको आप लिखेंगे वेलोसिटी फॉर्म में, तो वेलोसिटी आ जाएगा A ω cos का हो जाएगा sin ωt - θ, राइट। एंड दोस्तों आप सिंपल है, इसमें आप एक ओमेगा टी, ये तो हो ही गया माइनस में, क्योंकि कॉस का साइन होता है माइनस का, और ओमेगा टी का हो जाएगा ओमेगा, तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी -A ω sin ωt - θ।
तो यहाँ से जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा ए ओमेगा, क्योंकि साइन का जो मैक्सिमम वैल्यू लेंगे वो आएगा वन, तो माइनस ए ओमेगा आ रहा होगा आपका। बट ध्यान रखिएगा, एसएचएम इक्वेशन में माइनस साइन केवल और केवल डायरेक्शन दिखाने के लिए यूज किया जाता है। तो आंसर आ जाएगा बम्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वेरी इजी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड टी है और यदि लोलक की लंबाई 21% बढ़ा दी जाए तो टाइम पीरियड कितना परसेंट बढ़ जाएगा। वाव, बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप सोच विचार करके आराम से कर सकते हैं। तो आप जानते ही होंगे कि अगर हम बात करें टाइम पीरियड का तो टी बराबर होता है 2π√L/g, ध्यान दीजिएगा। तो अब आपसे क्वेश्चन क्या कहा है उसके अकॉर्डिंग देखें कि 21% बढ़ा दिया जाए, 21% हम बढ़ा रहे हैं। लेकिन आप एक बात देखिएगा, यहां से अगर हम ध्यान दें तो प्रोपोर्शनलिटी के अकॉर्डिंग जी और 2π, आप देख पा रहे होंगे ये कॉन्स्टेंट नंबर है, तो यहां से टी प्रोपोर्शनल टू √L। अब हमने बोला है कि T1/T2, तो ये हो जाएगा L1/√L1। L1 मान लेता हूं मैं 100, L2 121%, सिंपल सी बात है 121, क्योंकि 21% बढ़ा रहे हैं, तो ये हो जाएगा 10/11। तो आपका हो जाएगा T2 - T1/initial, ये तो होता है परसेंटेज चेंजिंग क्रॉस 100 कर देना और क्या है। तो इसमें आ जाएगा T2 कितना है 11 -10/10 × 100, तो आंसर आ जाएगा आपका 10%। वेरी इजी क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, सिंपल क्वेश्चन, आराम से समझ सकते हैं, कुछ बड़ा और कुछ नया नहीं किया है, सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फिफ्थ नंबर। ये दोस्तों क्वेश्चन कोई मजाक नहीं है, इस क्वेश्चन को मजाक में मत लीजिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लंबे समय तक याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ऐसे क्वेश्चन आया करते हैं दोस्तों एग्जाम में, यानी चित्र में दिखाया गया द्रव्यमान m है और इसका एम्पलीट्यूड a है, तो पॉइंट p का एम्पलीट्यूड होगा। वाह क्या लाजवाब क्वेश्चन दिए हैं, पॉइंट p का एम्पलीट्यूड बताइए। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन सीधे एग्जाम में आपको मिलेंगे, ना किसी कंपटीशन, ऐसा कोई नहीं है कोई कंपटीशन वाली बुक में मिल जाए या किसी भी स्टूडेंट के थ्रू मिल जाए, ना मिलने वाले, ये बेटा आपको सीधे सीधे एग्जाम कोड में मिलेंगे। मैं आपको बताता हूं इसका एम्पलीट्यूड क्या है, अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए तो ये क्या होते हैं, ऐसा यही क्वेश्चन मैंने करा दिया, सपोज दैट इसके अलावा और भी क्वेश्चन आ गए तो हर चीज नहीं कराई जा सकती दोस्तों। इसलिए आपके माइंड में कुछ ऐसा खुरापाती आइडिया आने चाहिए कि जब कुछ भी नया आए ना तो आप उस नए को उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व कर पाएं, ऐसा कुछ करने की जरूरत ना पड़े। सिंपल सा फंडा है दोस्तों, जिंदगी एक उसूल बनाती है, जिंदगी एक उसूल बनाती है कि जिंदगी का कोई उसूल नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसी प्रकार आपको हर एक मेहनत को इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि वो मेहनत आपके लिए काम तो आएगी, पर हर चीज ये जरूरी नहीं है कि वो आपकी पढ़ी हुई होगी। इसीलिए दोस्तों थोड़ा सा माइंड को क्रिएटिव लेना है। आइए क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन में बोल रखा है एम्पलीट्यूड के बारे में, तो सिंपल सा है कि आंसर क्या आना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। एक बच्चा बोल रहा है, मैं आपको उस तरीके से बताऊंगा पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा इसकी शॉर्ट ट्रिक सॉल्व करके बताऊंगा। एक बच्चा कुछ नहीं आता तो इन चारों ऑप्शनों में से सही आंसर लगाएगा, तो सही आंसर लगाने के दो तरीके होते हैं दोस्तों, या तो आप सही आंसर ढूंढ लीजिए जो आपको पता है, तो उसके लिए ज्ञान का होना आवश्यक है, और आजकल स्टूडेंटों में ज्ञान थोड़ा सा कम और आंसर को ट्रिक से ज्यादा लगाने की कोशिश करते हैं। कोई बात नहीं, मौसम को बदला जा सकता है लेकिन समय और माहौल को बदलने में बहुत लंबा समय लगता है, इसीलिए मैं न तो माहौल बदल सकता हूं और ना ही बेटा समय को बदल सकता हूं, बट मैं एक इस प्रकार का टीचर हूं स्टूडेंट की सोच अवश्य बदल देता हूं। आइए एक बार सोच के बारे में समझते हैं दोस्तों, इसमें हमें तीन गलत ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, तुरंत चौथा ऑप्शन आंसर होगा आपका। देखिए दोस्तों, K1/K2 ये आपको एम्पलीट्यूड दे रखा है, ऐसा होता है तो एक बात करिए, मैं मान लेता कि K1 जीरो है तो ये यहीं पे हो जाता, इसी पॉइंट पे हो जाता, यानी ये वाला पॉइंट यहीं हो जाता, तो एम्पलीट्यूड इसका ए आना चाहिए था, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। K1 के जीरो होने से एम्पलीट्यूड इसका क्या आ जाना चाहिए था, या तो इसका एम्पलीट्यूड आ रहा है नॉट डिफाइंड आना चाहिए था या जीरो, क्योंकि अगर K1 ही नहीं होगा तो P मूव ही नहीं करेगा। अब ध्यान से समझिएगा, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर K1 नहीं होगा, K1 आपका नहीं होगा, ये नहीं है, अगर ये जीरो हो जाए तो इसकी वैल्यू जीरो आ जानी चाहिए,
क्यों? क्योंकि ऐसा कंडीशन पर ये तभी हो सकता है, लेकिन कि K2 को जीरो होने से इसका एम्पलीट्यूड A ही रहना चाहिए। अब गौर करके देखिएगा, क्योंकि अगर मैं इस स्प्रिंग को हटा देता हूं, इस स्प्रिंग को, तब भी इसका एम्पलीट्यूड A रहेगा, क्योंकि इस स्प्रिंग को हटाने से ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहां आ जाएगा और इस ऑब्जेक्ट का एम्पलीट्यूड A है, तो आप उसी हिसाब से काम करेंगे। मैं एक बार और आपको समझाता हूं, क्योंकि दोस्तों आंसर आ चुका है, फिर आप इतनी टाइम में समझ नहीं पाएंगे कि किया क्या था। आइए एक बार मैं बहुत प्यार से दोबारा से समझाता हूं, बहुत जरूरी है, आंसर आ चुका है, आप भी बहुत से बच्चे तो देखते ही समझ गए होंगे कि आंसर है क्या। आइए एक बार फिर समझाता हूं, मैं आपको यह समझा रहा हूं कि बेटा यदि K1 अगर जीरो हो गया तो ये जो पॉइंट है ना P, वो यहां आ जाएगा और ये पॉइंट यहां आ जाएगा, क्योंकि K1 हट गया है, स्प्रिंग हट जाए तो इस पॉइंट पर इस पॉइंट में कोई अंतर नहीं रहेगा और ऐसी कंडीशन में इसका जो एम्पलीट्यूड है ना वो जीरो आ जाएगा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में ये K2 जीरो हो जाए तो K2 के जीरो होने से ये मास यहां आ जाएगा और मास के यहां आने से मास का जो एम्पलीट्यूड है वो सेम रहेगा और वो एम्पलीट्यूड जो सेम रहेगा वो क्या रहेगा? A। तो आपको इसी तरीके से काम करना है। तो अगर मैंने K1 को जीरो किया तो ये जीरो हो गया, बट K2 को जीरो करने से नॉट डिफाइन हो गया, तो ना तो ये आंसर हो सकता है और ना ये आंसर हो सकता है, क्योंकि यहां पर K2 को जीरो करने से ये जीरो हो रहा है और यहां K2 को जीरो करने से नॉट डिफाइन हो रहा है। तो यहां मैंने अगर K1 को जीरो करता हूं, यहां पे मैंने K1 को जीरो किया तो एम्पलीट्यूड तो जीरो हो गया, ये तो सही है, बट K2 को जीरो करने से इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाएगा? A। चेक कर लीजिए, K2 को जीरो करने से इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया? A। तो राइट ऑप्शन इज सी, वेरी गुड। अगर मैं यहां पे क्वेश्चन करना चाह रहा हूं कि अगर मैंने K1 को जीरो किया, K1 को जीरो किया तो आपका एम्पलीट्यूड आ रहा है A, ऐसा नहीं है कि अगर मैं इस स्प्रिंग को हटा दूं तो जो P पॉइंट है वो A एम्पलीट्यूड से मोशन करेगा, ऐसा नहीं है। P जो पॉइंट है वो यहां आ जाएगा अगर स्प्रिंग K1 नहीं होगी, तो इसीलिए आंसर आएगा सी। अब ये तो हुआ तरीका कि अगर आप कुछ नहीं आता है तब भी आप आंसर बता सकते हैं। एक दूसरा तरीका है कि इसको याद कर लें आप, बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप इसे याद कर लें कि कोई भी स्प्रिंग दे रखी है, मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझेंगे कि अगर आपको कोई स्प्रिंग दे रखी है, ये एक स्प्रिंग है और एक स्प्रिंग यहां पे है और कोई एम मास का ऑब्जेक्ट दे रखा है, इसका एम्पलीट्यूड जो है, ध्यान दीजिएगा, इसका एम्पलीट्यूड ए है और ये दिया है K1 और ये दिया है K2 और इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड निकालना है, तो इसका होता है K1 A ओवर K1 प्लस K2। इसको आप याद कर लीजिएगा, ये डेरिवेशन से भी निकाला जा सकता है, यानी याद रखना इस चीज को, अगर मैं इस पॉइंट का एम्पलीट्यूड निकालता हूं तो ये आएगा और इससे पीछे का निकालूंगा तो इसका आएगा, तो यानी कि इसका एम्पलीट्यूड आता है, ये वाला जो पॉइंट होता है इसके पीछे वो ऊपर रहता है और नीचे K1 प्लस K2, रट दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर एक कर्ण क्षैतिज वृत्त में अचर चाल से चल रहा है तो इसके लिए क्या कॉन्स्टेंट हो सकता है? एक्चुअली आपको मैं बता देता हूं दोस्तों कि जब हम सर्कुलर वेलोसिटी की बात करते हैं ना, तो सर्कुलर वेलोसिटी कुछ स्पेशल पॉइंटों के अंदर आता है। वाओ, क्या गोल बन गया एकदम। सर्कुलर वेलोसिटी जो होता है वो एक स्पेशल केस के अंदर आता है, उसमें कभी डायरेक्शन ऐसे तो कभी डायरेक्शन ऐसे तो कभी डायरेक्शन ऐसे कभी डायरेक्शन ऐसे, पल पल डायरेक्शन चेंज होती है। यहाँ पे वी डैश है और यहाँ पे V1 कैप है, यहाँ V2 कैप है और यहाँ V3 कैप है, तो हर समय डायरेक्शन चेंज होगी दोस्तों, हर समय। और जब डायरेक्शन चेंज होगी तो सब चीज बदलेगी, इसने कहा कॉन्स्टेंट है। कॉन्स्टेंट क्या है तो आपको मैं बता देता हूं बेटा, हैज ए कॉन्स्टेंट, तो वेलोसिटी तो कॉन्स्टेंट कभी हो नहीं सकती क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है। एक्सीलरेशन कभी कॉन्स्टेंट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी डायरेक्शन होती है। काइनेटिक एनर्जी डिस्प्लेसमेंट कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें भी डायरेक्शन होती है और काइनेटिक एनर्जी स्केलर होता है, इसलिए कॉन्स्टेंट होगा, वेरी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 19.6 मीटर की हाइट की छत से एक गेंद को 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से पैरेलल डायरेक्शन में फेंका गया तो कितने टाइम बाद गेंद सतह पर टकराएगी? दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखो एक बार क्वेश्चन को तो आपको करने में बहुत मजा आएगा कि एक व्यक्ति है जैसा कि आप देख रहे होंगे, हो सकता है आप ही हो ये, और यहां से वेलोसिटी से वी वेलोसिटी से आपने प्लेन वेलोसिटी से ऐसे फेंका है, तो ये जो वेलोसिटी है कोई काम के नहीं है नीचे लाने में। ऑब्जेक्ट जो नीचे आएगा ना, वो नीचे आएगा स्टार्टिंग की वेलोसिटी जीरो से, और नीचे तक आने में जो टाइम लेता है उसके लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक कराई है।
एक ट्रिक डायरेक्ट कराइए नीचे आने में ट्रिक, यानी ये लीनियर वेलोसिटी कोई काम की नहीं है। लीनियर वेलोसिटी जो है वो तो सिर्फ ऑब्जेक्ट को आगे ले जा रही है, नीचे तो नहीं छोड़ रहा है, नीचे नहीं छोड़ रहा है दोस्तों, वो आगे ले जा रही है। तो ट्रिक आप डायरेक्टली करेंगे, ये ऐसे दे रखा है, तो अगर आपका जो टाइम निकालना होता है वो होता है रूट 2h ओवर g, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर हम ध्यान देते हैं तो रूट रूट 2h, h की वैल्यू शायद 19.6 दी है जैसा आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, ओवर g 9.8, इससे इसको काट देंगे दो बार तो ये आ जाएगा रूट 4, और रूट 4 तो मुझसे अच्छी तरीके से जानते हैं आप, बम्बई आंसर आ जाएगा। टू सेकेंड, वेरी इजी क्वेश्चन। स्पेशल क्या था इस क्वेश्चन में, स्पेशल ये था कि यू वेलोसिटी कोई काम की ना है, समझ में आया, क्योंकि ये क्षैतिज वेलोसिटी है, प्लेन वेलोसिटी है, समझे आप, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रखी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बेहतरीन। एक लड़का एक स्थिर लक्ष्य से अधिकतम इतने मीटर की ऊंचाई तक बेंत फेंक सकता है, लड़का पत्थर को किस अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है। सिंपल सा फंडा है कि यदि कोई भी व्यक्ति है किसी भी बॉल को हाइट में जितना फेंक सकता है उतना रेंज में कितना अधिक फेंक सकता है। अगर हम बात करें नीरज की, जिसने भाला फेंका दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूं कि नीरज ने जो रेंज में 87.5 मीटर तक जो भाला फेंका, अगर उसी व्यक्ति से बोलते कि भाई हाइट में फेंक के दिखाना, तो बेटा एग्जैक्ट आधा फेंकता वो। ये बात डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक के जरिए याद रखिएगा, इसकी डेरिवेशन भी की जा सकती है बहुत आसान तरीके से, बट सही समय आने पर सब कुछ बताया जाएगा। फिलहाल मैं आपको एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, वो ये है कि अगर कोई व्यक्ति किसी बॉल को रेंज में 100 मीटर फेंक सकता है तो हाइट में केवल और केवल 50 फेंक सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। और यदि कोई हाइट में 10 फेंक सकता है, हाइट में 10 फेंक सकता है, ध्यान दीजिएगा, यानी इतनी ऊंचाई तक हाइट में फेंक सकता है, तो रेंज में 20 फेंकेगा। कैलकुलेशन देन आंसर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बेहतरीन। 1 ग्राम और 4 ग्राम की दो ब्रेंड समान काइनेटिक एनर्जी, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, थोड़ा ध्यान रखिएगा क्या चीज कांस्टेंट है, और लीनियर मोमेंटम का रेशियो पूछा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप एक बार करके देखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको बता देता हूं कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन होता है p²/2m, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसने बोला है कि सेम काइनेटिक एनर्जी, समान काइनेटिक एनर्जी, दोस्तों समान काइनेटिक एनर्जी है तो आप जानते हैं k₁/k₂, और k₁ होता है ½mv²/½mv², बट यहां पर उसने काइनेटिक एनर्जी इक्वल दिया है और वेलोसिटी और उसका मास दे रखा है दोस्तों, तो यहां से हाफ से हाफ कट जाएगा, m₁v₁ m₂v₂, तो यानी मास का जो रेशियो दे रखा है 4 ग्राम 1 ग्राम ऐसे दे रखा है, तो वेलोसिटी रेशियो आ जाएगा आपके लिए, और शायद लीनियर मोमेंटम रेशियो आपसे पूछा है, तो ये तो यहां से करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो यहीं से हो जाएगा, इस आइडिया से ऐसा मत करो। आ जाओ, काइनेटिक एनर्जी सेम दे रखी है, तो यानी कि p₁² / p₂² / p₂² / 2m₂, वेरी इजी क्वेश्चन, 2 से 2 कट गया, मास का रेशियो दे रखा है, तो p₁/p₂ √m₁/m₂, आप चेक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, रूट मास रेशियो दे रखा 1/4, तो आपका मोमेंटम रेशियो आ जाएगा 1:2, यही पूछा है, लीनियर मोमेंटम रेशियो 1:2, वेरी इजी क्वेश्चन है ना, मोमेंटम ऑफ द लीनियर मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अप्रत्यास्थ संगठ्य, यानी कि नॉन इलास्टिक पोलराइजेशन की बात करते हैं तो क्या कंजर्वेटिव रहता है। देखिए 3 प्रकार के कोलराइजेशन होते हैं, संगठ्य होते हैं, एक होता है टोटली इलास्टिक, टोटली इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, बट एक रहता है टोटली नॉन इलास्टिक, नॉन इलास्टिक में केवल और केवल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, और यदि हम बात करते हैं नॉन इलास्टिक के लिए तो उसमें कांस्टेंट रहने वाला मोमेंटम होता है बट एनर्जी कभी कांस्टेंट नहीं रहती, ध्यान रखिए, क्योंकि जब मैं किसी वस्तु को कुछ हाइट से गिराता हूं तो टकराने के बाद उतनी हाइट तक वापस नहीं पहुंचती है, क्योंकि कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है। अगर वो इलास्टिक हुआ, टोटली इलास्टिक संगठ्य हुआ, कोलराइजेशन हुआ, तो वो उतनी हाइट तक जाएगी, तो वो नॉन इलास्टिक है तो उसमें कंजर्वेटिव क्या नहीं रहेगी, तो वो है एनर्जी, और क्या संरचित रहेगा, तो वो है मोमेंटम, ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों जय हिंद आप सभी का, और दिल से स्वागत है, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में एक जबरदस्त जोश के साथ।